वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, वह कितने किलोवाट का है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है B, 50 किलोवाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है C, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पर अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका और किस देश के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है जापान। इसका आंसर है C, भारत अमेरिका और जापान के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस महिला धावक को IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है D, PT उषा। PT उषा को अभी IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस विधानसभा चुनाव हेतु भारतीय राजस्व सेवा के 2 पूर्व अधिकारियों मधु महाजन और B मुरली कुमार को विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये नियुक्त किया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हेतु। इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी कितने भारतीय TV चैनलों के लिए भाषा आधारित उपशीर्षक तैयार करने की अनिवार्यता लागू कर दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये चैनल है 800। इसका आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है B, 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने तलाक पीड़िताओं को कितने हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है B, 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए घर तक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कितने मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है B, 2 मोबाइल ऐप जिसका नाम है कृषि किसान ऐप और CHSC फॉर्म मशीनरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन सी खिलाड़ी भारत की सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप, इसका आंसर है बी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, ब्लड्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में ब्लड्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, मैग्नीशियम। पर हरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, जो जहांगीर के चित्रकार थे वो हैं अबुल हसन और अकारीजा, जबकि अब्दुस्मद और मीर सैयद अली ये अकबर के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान के वन पाए जाते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, वायु प्रदूषण के। ये थी आपकी क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।